नमस्कार। एक चीज ये बोर कर रहा है, अगर आपको चैनल नहीं पसंद आता है तो ऐसे थम करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए। अगर नहीं समझ गया, अरे यार वो नहीं ना, सही तरीका है, आप ईमानदारी से काम करिए। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे गुरु डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जो कि होम्योपैथिक दोस्तों में काफी फेमस है, हमारे गुरु है। प्रणाम सर। खुश रहो। तो कैसा है कि इनके भी YouTube चैनल है, हम थ्री नाइस मैन भी YouTube चैनल है, इन्हीं से सीखा है, और ये काफ़ी दिनों से हमारी तमन्ना थी कि सर के साथ एक वीडियो बनता है और वो वीडियो बहुत बढ़िया होना होगा, आप सबको उससे काफ़ी सारा चीज़ जो आप चाहते हैं होम्योपैथिक के ज्ञान आपकी वृद्धि हो, उस ज्ञान वर्धन होगा, वर्धन होए। अरे आज हिंदी के दो भाषा है। तो ये इसलिए आज हम साथ में हैं, तो आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सर जी। तो आज थ्री नाइस मैन के साथ में एक वाइज मैन है। क्या तो आज हमें सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तुम लोग तो अच्छा काम कर ही रहे हो। थैंक यू सर। कितने होम्योपैथ को फायदा हो रहा है, जनरल पब्लिक को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है, आपसे ही सीखा। और मैं कितनी बार लोग मेरे पास कॉल करते हैं, सर मैं आलोक सर से ट्रीटमेंट लिया, आलोक सर ये बताते हैं मेरे को समझ आ गया, हमारी प्रैक्टिस बढ़ गई है, हमारे मरीज सही होने लगे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है ही, जो तुमने नाम रखा नाइस मैन, तो वो प्रैक्टिकली सामने दिख ही रहा है, तो जरूरी है। कुछ काम की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे काम। तो बात तो तुम हमेशा ही काम की करते हो। आज क्या करते हैं, वो तो हमेशा काम की होती है बात तो आपकी। नहीं सर, काम छोड़ के मस्ती भी बहुत होती है। वो भी काम की बात होती है, मस्ती माने काम। अगर आप सिर्फ काम करोगे, मस्ती नहीं करोगे, तो लाइफ बिल्कुल डल हो जाएगी, फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो बोर हो जाएगा, तो वो काम के साथ मस्ती जरूरी होती है। बिल्कुल, ये सीखने का हिस्सा है। वो आज सर ने मुझे लाइसेंस दे रखा है, मस्ती करो। खुल के कर सकते, खुल के कर सकते। आज हम सीखेंगे, मतलब चर्चा करेंगे एक रेमेडी पर, और वो रेमेडी है बोविस्टा। वेरी गुड। बोविस्टा एक ऐसी खूबसूरत रेमेडी है जो मतलब बहुत लाइवली रेमेडी आपके क्लिनिक में आती है, तो ऐसे ऐसी हरकतें कर जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाती है कि आप अगर सही बुद्धि से सोचें कि अरे ये बोल क्या रहा है, तो आपको मतलब मेरे जैसे बंदों को तो मजा आता है, मजे मजाक लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, ये ऐसे कैसे बोल गया। ये बोविस्टा की जिस्ट है जो हम केसेस में से आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। इसकड़ी यस नहीं, काफ़ी लोगों ने सर, हमने ना रिसेंटली बराइडा काब यूट्यूब पे चढ़ाई थी, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि सर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सर आपके यूट्यूब पे आपकी बोविस्टा भी पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने अपलोड की हुई है। आपने कहीं मेरे ख्याल से वेबिनार में बताई है कहीं पे, तो कुछ लोगों के सवाल थे कि ये जो बोविस्टा है वो आपके बाद भी कई वेबिनार में हो चुकी है ना, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बोविस्टा और बराइडा काब में कैसे डिफरेंस किया जाए इस तरीके से। वो तो दोनों बिल्कुल अलग अलग, बहुत अलग है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लिनिक में जो भी मरीज आपके सामने आता है, हर एक की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, हर कोई मतलब इस पूरी नेचर में, इस पूरी कायनात में एक एक पत्ता भी इंडिविजुअल है, अपने आप में एक बिल्कुल एक इंडिविजुअल एंटिटी के तरीके एग्जिस्ट करता है। तो ठीक उसी तरीके से बोविस्टा की भी अपनी खूबियाँ हैं, अपनी गुण हैं, वो अभी हम लोग शेयर करेंगे। तो उसके पहले मैं गुप्ता सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली थी, जिसने दैट वाज अ रेवलेशन फॉर मी इन होम्योपैथिक स्टडीज़, कि जब सर ने बताया था कि हर एक दवा को आप एक या दो शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा एक वाक्य में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब हम मटेरियल मेडिका पढ़ते हैं तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, खूब हजारों सिम्टम्स होते हैं, इट्स लाइक देखते डर लगता है कैसे पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कैसे। तो वो
उसका जो एक एसेंस है वो दो या तीन शब्दों में या एक वाक्य में बनाया जा सकता है, बट दैट्स दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो गुप्ता सर बहुत एक्सपर्ट हैं उस चीज़ों के, क्योंकि हर एक दवा को उन्होंने एक एक सेंटेंस या एक दो शब्दों में ला करके लिमिट कर दिया है, लेकिन वो दो या तीन शब्द या वो एक वाक्य उस पूरी दवा का एसेंस होता है, और उस सेंटेंस में या उन दो शब्दों से सारे रूब्रिक जुड़ते हैं, मतलब वो सेंट्रल थीम होती है और बाकी के सारे रूब्रिक उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो कैसे जुड़ जाते हैं और जो क्रक्स होता है वो कैसे समझना है, ये हमने गुप्ता सर से सीखा है। तो एक बार ऐसे सेमिनार में मैंने एक सर को बताता हूँ कि सर को तो याद नहीं होगा क्योंकि सबसे बात करते हैं, तो मैंने सर से कहा सर आप दवाई कैसे पढ़ते हैं, तो ही लुक्ड एट मी कुछ देर तक देखते रहे, मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत क्वेश्चन कर दिया, तो बोले पहले मैं क्या करता हूँ कि दवा के रूब्रिक्स में देख लेता हूँ, उसके बाद जो वन जिस रूब्रिक में एक दवा होती सिंगल वाला वो देखता हूँ, और उस रूब्रिक का मैं अध्ययन करता हूँ 3-4 दिन तक, उसकी डिक्शनरी में देखता हूँ मीनिंग, 5-6 डिक्शनरी देखता हूँ, फिर उसके बाद में 5-6 दिन लगता है कि हमारी ज़िंदगी में वो वाला जो रूब्रिक है वो किस तरीके से कॉमनली प्रेजेंट होता है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं उसको पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चालू करता हूँ, उसमें 1-2 महीना लग सकता है, 5-6 महीने के बाद में वो फिर हम लोग जब उसके 3-4 केसेस उनको मिल जाते हैं उसके बाद में वो एक अनुसंधान पूरा अपूर्ण हो जाता है रिसर्च, उसके बाद में हम लोग को वो प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से गुप्ता सर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि आप दवाई कैसे पढ़ते हैं, तो ये 24 घंटे का काम होता है, क्योंकि अब मान लो आपने कोई भी मेडिसिन पढ़ी उसमें सिंगल क्या होता है, मेडिसिन में कुछ ऐसे रूब्रिक होते हैं जो केवल उसी मेडिसिन में होते हैं, यानी वो अकेली दवाई होती है उस रूब्रिक में, कुछ में 2-3 दवाइयां मिलके एक रूब्रिक बन रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो दवाई उस रूब्रिक में अकेली इसलिए है क्योंकि वो जो रूब्रिक है उस दवाई की पहचान है, जिससे आप जान सकते हो कि ये अगर मिल गया तो अकेली ये ही दवाई होगी और कोई नहीं हो सकती, यानी वो उसकी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है। अब जब इतनी बड़ी चीज है किसी दवाई के लिए एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी, तो फिर आपको उसको पूरा उसके जो पूरे डायमेंशन हैं उसमें फैलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये डिक्शनरीज है इंग्लिश में और हम हैं हिंदी भाषी लोग, तो वो अंग्रेज लोग क्या समझते हैं इस बात से, क्योंकि बनाई तो उन्होंने अपने हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से इंडियन के हिसाब से तो रिपर्टरी बनी नहीं है, तो अंग्रेज लोग जो कैंट साहब थे उन्होंने इस शब्द के बारे में क्या समझा, तो उसको समझने के लिए तो फिर हमारे को डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि हम डे टू डे लैंग्वेज में वो सारे शब्द तो यूज़ करते हैं, अनकॉन्शियसली करते ही रहते हैं, हज़ारों बार करते हैं, और समझ आता है सबको, हमें भी समझ आ रहा होता है हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाले को भी समझ आ रहा होता है क्या बोल रहे हैं, तो वो तो सूक्ष्म मतलब तो हमारा दिमाग समझता है। तो पर जब मरीज होता है या सामने होता है और हमसे किसी को कहा जाए कि आप इस वर्ड को थोड़ा समझाओ, तो फिर हम उसके बारे में 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते, फिर मैं करते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, फिर मैं उसका डिक्शनरी में देख दाख के जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खाली इधर उधर घूम रहा हूँ, जहाँ भी घूम रहा हूँ, फिर वो मेरे दिमाग में उथल पुथल कैलकुलेशन ये वो चलता रहता है कि भाई ये है तो ऐसा क्यों है, ये अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर इसका कौन सा रूब्रिक बन सकता है, वो रूब्रिक दिमाग में बन गया भाई ऐसा हो सकता है, वो देखा रिपर्टरी में हाँ यार ये तो है, तो 2-3 आपस में मिल गए, तो उनकी एक जर्नी सी शुरू हो गई, फीलिंग सी शुरू हो गई, जैसे कहते हैं ना नॉट से नॉट बन के फिर आगे श्रृंखला बनती चली गई, एक चादर सी बनती ही चली गई, तो उससे जुड़ा हुआ एक एक्शन जब आपको समझ आ गई कि ये सिंगल मेडिसिन वाला जो है ये इस वजह से या इस काम को पूरा करने के लिए या अपने इस बिहेवियर को पूरा करने के लिए ऐसी हरकतें करेगा, तो वो उसके पेरिफेरल रूब्रिक हो गए, दूसरे रूब्रिक हो गए, वो करेक्टरिस्टिक नहीं रहे फिर, पर हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से करेगा ना काम, तो डिजायर सबकी एक ही है, मान लो आपको एक रेमेडी पढ़ने की डिजायर है सपोज, तो आपके दिमाग में वो रूब्रिक आ गया कि भाई डिजायर टू स्टडी दिस रूब्रिक मेडिसिन, ये हो गया मेन रूब्रिक, बराबर। अब आप क्या करोगे, बहुत से लोग
यूट्यूब खोलेंगे उसमें सब लोगों के वीडियो देखेंगे, ये एक तरीका हो गया उन लोगों का। किसी की खासियत वो होगी, कोई कहेगा नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा, मैं तो बुक से पढ़ूंगा, तो वो कोई बुक हार्ड कॉपी निकालेगा अपनी तो उससे पढ़ना शुरू करेगा, उसका अपना नेचर है हार्ड कॉपी वाले का। कोई कहता है यार हार्ड कॉपी में कुछ नहीं होता, कौन उठाएगा, मैं तो लैपटॉप से पढ़ूंगा, तो वो उसका अपनी खासियत होगी। पर तो ये तीन एक ही बंदे, एक ही डिज़ायर कि हमें इस दवाई की थोरो स्टडी करनी है। चार लोगों ने चार अलग अलग तरीके अडॉप्ट किए, सही, तो वो चार अलग अलग दवाई हो गई एक किस्म की और चार अलग अलग रूब्रिक बन गए। तो वो जो एक रूब्रिक डिजायर टू स्टडी दैट मेडिसिन प्लस जो लैपटॉप से कर रहा है, उन दोनों का कम्बिनेशन एक दवाई की तरफ इशारा करेगा। और फिर वो जो लैपटॉप से पढ़ रहा है तो उसका मतलब है वो लैपटॉप को ज़्यादा महत्व देता है, तो वो फिर दूसरे फील्ड में भी लैपटॉप यूज़ कर रहा होगा, तो वो तीसरा रूब्रिक हो गया टेक्नो सेवी है। फिर जब वो ऐसा टेक्नो सेवी होता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी होगी कि कितने घंटे जगता है वो, कितने घंटे सोता है, क्या जेस्चर करता है, कितना फिर पत्नी से प्यार करता है, वो बच्चों से नहीं प्यार करेगा, फिर वो टेक्निक से करेगा, बात बात में लैपटॉप चुन रहा। आप उसको कहोगे ये होता है, नहीं नहीं मैं अभी यूट्यूब सर्च करता हूँ वो इंटरनेट, तो ये एक श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी उसकी। जो हार्ड कॉपी वाला होगा वो इस किस्म का होगा कि नियर में बैठ के शांति से, तो उसका उस किस्म का जो मॉडर्न चीज है उनमें बिलीफ नहीं होगा, वो दूसरी दिशा में निकल जाएगा। हाँ, तो वो ट्रेडिशनल की तरफ जा रहा है और लिमिट में जा रहा है, तो दूसरी दिशा में, तो दूसरी दवाई हो गई। तो बेस में एक रूब्रिक रहा लेकिन सबके काम करने के तरीके उनकी व्यक्तित्व को दर्शा रहे। तो सोयों रूब्रिक से एक व्यक्तित्व निकल आया आपका, तो ऐसे फिर रूब्रिक को जोड़ जोड़ के आगे 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 इस व्यक्तित्व को ही हनुमान साहब ने डिस्पोजिशन का नाम दिया। हाँ, उसको डिस्पोजिशन कह लो, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट तो फिर भी एक किस्म का टेम्परेरी सी स्टेट होती है, पर एक डिस्पोजिशन, एक उसका पूरा रुझान होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है कि ये किस किस्म का व्यक्ति है, तो उसको टेम्परामेंट कह लो, रुझान कह लो, जो आपकी, क्योंकि अलग अलग भाषा में अलग अलग कहोगे ना, मराठी में कुछ कहोगे, हिंदी में कुछ कहोगे, तो सवाल ये है हमें उस टेम्परामेंट की, उसकी फीलिंग समझनी है कि ऐसे पर्सनैलिटी को ऐसा हम कहते हैं। तो आप किसी ने कहा, अब मान लो शब्द तो कोई भी यूज़ कर सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं ना हर इंसान अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करेगा, करेक्ट, तो उसकी मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ये तो आपको समझ आ गया। कोई ये कहता हो तो समझ जाता है ना माँ के वो खाना मांग रहा है, कोई कहता हो तो समझ जाता है पानी मांग रहा है, चाय मांग रहा होगा। तो शब्दों की बात नहीं है, बात है कि आपको ये समझना कि ये व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है, तो वो हो गया जीस्ट ऑफ द रेमेडी। और ये जीस्ट ऑफ द रेमेडी समझ आएगा उसकी हरकतों से, वो क्या कर रहा है, लैपटॉप से काम करता है तो कैसा चल रहा है, ड्रेसिंग सेंस कैसे होगा, वो उसके पेरिफेरल सिम्टम हो गए। तो ऐसे दवाई को स्टडी करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितने डॉक्टर्स हैं या जो लेमैन है सबको समझ में आ गया। एक बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन है जो कि जो हमारे लेमैन, जो बहुत सारे लोग लेमैन है सर, वो वीडियोस देखते हैं, तो उनका ये प्रश्न होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं। हम लोग नहीं है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। होम्योपैथी में दवाओं को पढ़ने का और इलाज करने का तरीका ही ऐसा होता है। तो आप चाहे कैंसर, डायबिटीज़, माइग्रेन, आईबीएस, अपना आस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, जो भी डिजीज़ लेके आएंगे, तो होम्योपैथी में सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपका डिस्पोजिशन, आपका व्यक्तित्व जानने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वो व्यक्तित्व जान करके वो उसका एक मेन प्रिस्क्राइबिंग मुद्दा बनता है उसके अच्छे प्रिस्क्रिप्शन का, और इस तरीके से दवा दी जाती है। तो हम लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक अस रॉन्ग, ठीक है। हाँ प्लीज सर। तो जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल अलग साइंस है। साइकोलॉजी से कभी भी दवाई का सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो एक टेक्निकल पार्ट है। नाम मिल जाते हैं, क्लासिफाई हो जाता है। वो तो नाम है ना, किसी को जूते को आप शू कह लो, वो रहना जूता ही है। बदल जूता है। सही है ना। तो ये जो साइकोलॉजी है उनका एक टेक्निकल पैटर्न है। तो हमारी होम्योपैथी उस टेक्निकल पैटर्न से नहीं चलती है। हमारा चलता है कि इस ये बंदा आजकल जो इसका स्टेट है, बीमारी की स्टेट जिसमें भी है, वो अब वो किस ढंग से बिहेव करने लग गया। साइकोलॉजी में तो क्या होगा, उसको इड नाम देंगे, वो अनकॉन्शियस माइंड और फलाना माइंड और ये ट्रेट और वो ट्रेट, हमको ये नहीं देखना। हमें एक आम इंसान का टेम्परामेंट इस अवस्था में कैसा हो गया है वो देखना है, उसका बैकग्राउंड क्या था,
कैसे करेगा, उसमें फिर वो कैसे टेस्ट, वो साइकोलॉजी वाला पार्ट नहीं होता ये। तो हम किसी के दिमाग का इलाज नहीं करते हैं, बेसिक तो ये है। लेकिन क्योंकि किसी भी रिएक्शन होगी तो उसका जो सूक्ष्म जो हम समझ सकते हैं वो माइंड के लेवल पे सबसे तेज होती है। तो बॉडी के लेवल पे तो असर आने में बहुत टाइम लगता है। मान लो आपको गुड न्यूज़ सुनते हो तो बिल्कुल आपके शरीर में जान नहीं थी तो गुड सुनते एकदम आप खड़े हो जाते हो, वो सारी एनर्जी आ गई ना आपके अंदर। तो ये जो एनर्जी आई है मेंटल लेवल पे तो आपने एक मिनट में देख ली। अगर आप इस तरह से उठ के खड़े भी नहीं होने वाले लाओगे तब भी अरे अरे यार ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है तुमने। तो वो सारा जेस्चर वेस्चर आपको दिखा देगा कि इसके अंदर तक क्या रिएक्शन हुई है। तो इसलिए हम माइंड की रिएक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। दैट अफेक्ट्स एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एंड वी आर कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो वो चीज सिर्फ वो गुड न्यूज़, वो जो मुस्कुराया तो सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, उसके दिमाग में सिग्नल गए वहां कैलकुलेट हुआ ये गुड न्यूज है, उसको वेलकम किया, उसकी मुस्कुराहट ने क्या अंदर सारे के सारे पुर्जे 100% पुर्जे सारे एक साथ रिएक्ट हुए। पर आपको कोई भी पुर्जा रिएक्ट होता दिखता नहीं है, दिखती तो उसकी मेंटल रिएक्शन है। तो इसलिए दवाई के सिलेक्शन के लिए जो शार्प ऐसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है माइंड। इसलिए माइंड की मदद लेते हैं कि इंसान कैसे बिहेव करता है। यस। तो पर हम किसी को ये नहीं, ये मत समझना चाहिए कि हम लोगों के दिमाग का इलाज करते हैं। दिमाग का नहीं इलाज कर रहे, उसके उसकी उसके स्वभाव के अनुसार उसके लिए क्या प्रॉपर मेडिसिन होगी जो उसकी बीमारी, शारीरिक बीमारी को ठीक करेगी या मानसिक बीमारी को ठीक करेगी, सिर्फ उसके लिए मदद ले रहे हैं हम। करेक्ट। क्योंकि हमारी जो नेचर ऑफ मेडिसिन होती है वहाँ भी माइंड का सिम्टम जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं। फिजिकल सिम्टम तो मान लो किसी को डकारें आ रही हैं तो वो तो हमारे दवाई कम से कम 200-500 दवाइयाँ हैं जो डकार में यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसे तो नहीं ना कोई भी दवाई दे के डकार में वो काम नहीं करेगी। तो उस व्यक्ति को जिसको डकार आ रही है तो उसका अपना उस वक्त के लिए पर्सनैलिटी क्या है, अपना क्या सोच है, अपनी कैसी रिएक्शन क्या होती है। जैसे मान लो कि डकार आ गई आपको, अब कोई कहे यार मैं सोसाइटी में बैठता हूँ वाह डकार मारता हूँ तो मेरी क्या है, आसपास लोग ऐसे देखते यार ये क्या बदतमीज आदमी है। तो दूसरा कहता है डकार आती है क्या मजा आ गया यार, सारी गैस निकल गई, एक एम्ब्रेस होके मर गया, एक को रिलीफ आ गया जैसे कोई नोबेल प्राइज मिल गया हो। तो डकार तो डकार ही है, तो उसकी जो रिएक्शंस हुई है वो बहुत डिफरेंट है। और वो जो रिएक्शन होंगी वो उसकी टोटल पर्सनैलिटी को डिपेंड करती है। इसलिए डकार सेम है पर दोनों की दवाई अलग है। बिल्कुल। तो उस दवाई चुनाव करेंगे तो दोनों की डकार ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि उसका वो माइंड पागल था या कुछ था, ऐसे कुछ नहीं है, वो नॉर्मल ही है दोनों बंदे। तो सिलेक्शन के लिए माइंड के सिम्टम यूज कर रहे हैं, ना कि उसके दिमाग में कोई खराबी है। खराबी किसी के दिमाग में नहीं होती, सब नॉर्मल ही बंदे होते हैं क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग है। तो इसलिए होम्योपैथी में आप सेम बीमारी लेके आएंगे दो अलग अलग इंसान, बीमारी सेम है, नाम सेम है बीमारी का, लेकिन हो सकता है और काफ़ी बार होता है कि उनकी दवाइयाँ अलग होती है। तो हर एक की पर्सनालिटी अलग है, स्वभाव अलग है, इसलिए आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हमारे गुप्ता सर के तो अलग अलग रेमेडी के स्वभाव हमने डिस्कस करे हैं। तो आज हम लोग आज के रेमेडी पे आएंगे, समझेंगे कि बोविस्ता कैसी पर्सनालिटी है, बोविस्ता का माइंड कैसा है और बोविस्ता हमारे क्लिनिक में समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, ये हम गुप्ता सर से सीखने की कोशिश करेंगे आज। चलो ये क्या क्या सीखना, छोटी सी केस, छोटी सी केस बताता हूँ तो मतलब आपको चालना मिल जाएगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता तो लगे आप करना क्या चाहते हैं। देखो सर, एक 10-12 साल का बच्चा आया, पेट खराब था, मम्मी के साथ में आया और पंजाबी था, आके बैठा सामने, मम्मी ने कहा कि इसका पेट खराब है, पेट में दर्द हो रहा है इसके। तो मैं बोला पेट में दर्द हो रहा है, मैं बोला क्या क्या हो रहा है, तो बोले पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोला कुछ अटपटा खाया होगा, कुछ बाहर का खा लिया होगा। हाँ। तो मम्मी ने तुरंत कवर करते हुए कहा कि नहीं सर, हम इनको बाहर का कुछ नहीं देते। तो अभी वो 10-12 साल का लड़का है, वो बोलते हैं कल चाइनीज तो तुम ही लाए थे। तो मम्मी एम्बेरस हो गई, बोला अरे कहाँ वो, नहीं नहीं सर वो हाँ कल लाए थे। उसकी फंस गई। मैं बोला अरे बाप रे, अभी मैं ये सीन सामने देख रहा हूँ। अभी ये 12 साल का लड़का, आप सोचोगे कि 12 साल का लड़का है, बच्चा है, नहीं समझता,
लेकिन अगर 5 साल के बच्चे को भी बोलो ना दांत पर तुम्हारे ये हो गए चॉकलेट खाते हो, तो बोलते नहीं मैंने खाता। 5 साल का बच्चा भी ये समझ रखता है कि गड़बड़ करता हूँ। इसने बोल दिया कभी तो चाइनीज खाया था, आपने तो लाए थे मंचूरियन। अब मेरे को क्यों कह रहे हो ये खाता है, मेरा क्या कसूर है, इसने तो सच्ची सच्ची बात बता दी। अब हुआ यूं, मैं बोला अच्छा पेट दर्द हो रहा है, बोला हाँ हाँ सर पेट दर्द हो रहा है। तो बोला फिर क्या कितनी बार सुबह से पॉटी हो गई, बोले पॉटी कितनी बार हुई, बोला पॉटी तो एक ही बार हुई, ये मम्मी बार बार जाती रहती है, अभी फिर मम्मी है बरस। फिर मम्मी एकदम लिपस्टिक लगा के एकदम बन ठन के आई है और दे बेइज्जती बोली मम्मी बार बार जाती रहती है, चुपे क्या बात कर। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट से जो एनवायरनमेंट तो बड़ा सावधान रहता होगा, खतरनाक आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो जैसे खुला भांड कहते हैं ना, बिल्कुल इसको अकेले नहीं है, जैसे जो मर्जी बोल देगा जी, ये तो सब कुछ बता देगा, इसको मैनिपुलेट करना नहीं आता है, तो कहाँ क्या बोलना है इसको नहीं आता है, ये तो बता देता है सबके सामने। बिल्कुल, तो ये चीज थी। अभी आप ये भी डिस्कस करेंगे कि बराबर टकर के साथ इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, लेकिन ये होता है बोविस्टा ट्रुथ टेलिंग द प्लेन, और इस ट्रुथ टेलिंग द प्लेन के साथ में जुड़ता है नाइवनेस। नाइवनेस, वेरी नाइवनेस जुड़ता है, ट्रुथ टेलिंग द प्लेन जुड़ता है कि अगर कोई 12 साल का बच्चा बोलता है कि हाँ चाइनीज तो खाया था, आज पेट में दर्द है, हाँ चाइनीज खाया था, अभी मम्मी छुपाने की भी कोशिश कर रही है तो भी वो तो कहा अरे ऐसे कहा कल तो खिलाया मंचूरियन लाए, मम्मी एम्बेरस हो गई, लेकिन ये समझा नहीं ये कितना नाइव है और कितना ट्रुथ टेलिंग द प्लेन है। तो ऐसे आपके पास ये मतलब फॉर्मूला है, आप ये अगर फॉर्मूला ठीक से ढंग से समझ लें तो बोविस्टा ऐसे निकल आएगी। अब आप खुद देखो ना, एक 12 साल के बच्चे से कोई क्या एक्सपेक्ट करता है। एक तो नॉर्मली हमारे समाज में सब कहते हैं यार चाइनीज वाइनीज मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, तो ये 12 साल के बच्चों को समझ होती है कि अगर मैं कहूँगा मैंने ये खाया था तो डॉक्टर डॉक्टर डांटेगा। तो नॉर्मली उसको मालूम भी है खाया था पर वो बताएगा नहीं। बिल्कुल, पर इस बोविस्टा की समस्या क्या होती है कि इसको वो पूरी तरह समझ नहीं होती, मतलब उस लेवल की चलाकी नहीं होती इसके अंदर, ग्रोथ नहीं होती कि जो दुनियादारी की चीजों को समझ सके कि कहां मेरी किस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मैनिपुलेशन नहीं होता इसके अंदर, जैसे कहते हैं ना दिल का साफ, बिल्कुल साफ, कोई चलाकी नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता ये, और ना अपने आप को किसी के नुकसान से बचा सकता, क्योंकि ये तो मान लो अपने दिल की सारी साफ बता देगा तो इसको चीट करना आसान हो जाएगा, कोई भी कर लेगा। तो ये नाइव इसीलिए है क्योंकि इसको वो उतना शार्प इंटेलिजेंस इसके पास नहीं है, वो कनिंगनेस नहीं है इसके पास कि जो सामने वाले की मक्कारी को ये समझ सके। क्योंकि जो एक चोर होता है ना वो समझता है कि आप चोर हो, पर एक ऑनेस्ट आदमी जो होता है ना वो नहीं जान सकता कि आप चोर हो, वो तो समझेगा ही नहीं, वो कहेगा यार ये इसमें क्या बात है, ये तो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन चोर समझता है कि आप कह क्या रहे थे। करेक्ट, तो वो इशारा, तो वो दुनियादारी को समझ चुका है, ये नहीं समझा पाया। यानी ये नाइव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो नौसिखिया, तो नौसिखिया एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो अभी भी सीख ही रहा होता है, या मतलब ट्रेंड नहीं हुआ होता उस फील्ड में, उसने मास्टरी नहीं करी होती। तो ये दुनियादारी जो है इसमें मास्टरी नहीं है कि मुझे किस वक्त कैसे बिहेव करना है, ये समझ इसको नहीं होती। जब समझ नहीं होती तो फिर इम्बेसिलिटी में आ गया, जो कहते हैं ना फिजिकली ग्रोथ हो जाती है पर मेंटल ग्रोथ नहीं होती, तो वहां आ गया। तो ये भोलापन आ गया, सब ऐसे बंदे को कहेंगे यार ये भोला है, इसको समझ नहीं है तो खुला बांध है, कुछ भी बोल देगा, इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या बोलना है। तो ये सारे रूपरेख एक फैलते चले जा रहे हैं ना। बिल्कुल, अभी तो, जैसे जो हमारे ले मैन है, अगर उनको ये तो क्लिनिक के एग्जांपल्स हो गए, ये हम डेली देखते हैं, तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो जावेद जाफरी की और अरशद वारसी की, जो भाई होते हैं उसमें भी था वो। तो जावेद, ये लोग क्या होता है कि इन लोग को एक खजाने का वो पता चलता है, ये लोग खजाना लेने जा रहे होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं कहीं गड़े हुए। तो अरशद वारसी बोलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये भेद खोलेगा, तुम साले चुप रहोगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वहां हम लोग जा रहे हैं खजाना लेने, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। तो जब पुलिस वाला आता है संजय दत्त, उन लोग को रोकता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो ये सब लोग चुप। तो ये बोलता है कि हम लोग वहां पे जा रहे हैं लेकिन वहां पे खजाना लेने नहीं जा रहे हैं।
तो दिस इज द नाइवनेस ऑफ इसने अपने छुपाने की तो भरपूर कोशिश की तो नहीं बताऊंगा मैं, पर उसको समझ ही नहीं है कि ये ऐसे कहना बताना ही होता है। तो वो मामूली सी समझ उसको आई, तो उस लेवल की समझ नहीं है जिस एज ग्रुप का वो बंदा है, जिस सोसाइटी में मूव कर रहा है, उस सोसाइटी के क्या नॉर्म है, बात करने के क्या तरीके हैं, वो समझ नहीं आ रहा। मान लो झुग्गी झोपड़ी का बच्चा है, उस लेवल में वो बहुत सारी बातें जो झुग्गी झोपड़ी के नॉर्म्स होते हैं, जो वहाँ की सोसाइटी का कल्चर होता है, वो उस लेवल पे बात करेगा। उसी लेवल का बंदा मान लो कोई फिल्म इंडस्ट्री का बच्चा है, स्टार किड है, उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। करेक्ट। तो वहाँ पर वो अगर झुग्गी झोपड़ी वाली बातें करेगा तो कहेंगे यार इसको अकल नहीं है, और झुग्गी झोपड़ी वाला उसी लेवल की बात कर रहा है तो कहेंगे तो सही बंदा है। तो बंदे बात दोनों एक ही कर रहे हैं, तो पर वो उस सोसाइटी के हिसाब से जिस ढंग से चलना चाहिए वो चीज़ें नहीं सीख पाया वो, तो वो ना ही हुआ। समझ आ गया? जबकि और वही बंदा झुग्गी झोपड़ी वाला कर रहा है तो बात सेम करिए तो ठीक हो जाएगा। तो वो तो वहाँ के हिसाब से पैटर्न समझ गया ना कि मेरे को इस माहौल में ऐसे बात करनी है, तो वो शार्प इंटेलिजेंस की बात है। तो इंटेलिजेंट बच्चा हुआ और वो ना ही बच्चा हुआ, मतलब अपने एज के मुताबिक, अपने एज के सवाल ही नहीं है और सराउंडिंग के अपने आसपास टोटल माहौल को समझ के आप बिहेव करते हो ना, उसी को समझदारी कहते हैं। आप अपने ऑफिस में बिहेव करते हो वो कुछ अलग होता है, वहाँ पर शब्द यूज करते हो वो अलग यूज करते हैं, आपके घर घर में आप बात करते हो वो अलग करते हैं, और नुक्कड़ पे आपके दोस्तों के साथ रहते हो वहाँ पर कुछ अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब आप माहौल के हिसाब से चीज़ों को जज करते हो कि मुझको इस ढंग से बिहेव करना है, तो उसको एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है। तो इस जो हमारा ये बोविस्टा है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता है पर मेंटल डेवलपमेंट एज के हिसाब से लैकिंग होती है, लैकिंग होती है। हाँ, तो वो लैकिंग पागलपन नहीं होता इसको। हाँ। ऐसा नहीं होता कि ये इडियट है, अपने काम धंधे नहीं कर सकता, ये पढ़ लेता है सब कुछ कर लेता है, पर इसमें वो कनिंगनेस नहीं आती, एक प्लेननेस रहती है, भोलापन रहता है इसके अंदर, ये सामने वाले को समझ ही नहीं पाता। मतलब इसमें ये सोच ही नहीं सकता कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है या आपका फायदा उठा रहा है, भोला होता है, भोला होता है, इसलिए ये सारी बातें साफ साफ बता देता है। सारी बातें साफ साफ बताना रूब्रिक है लोक्वेसिटी, ओपन हार्टेड, खुले दिल का। मतलब जो क्लोज बंदे होते हैं तो आधी बात छुपाते हैं आधी बताते हैं, वो मक्कार किस्म के लोग होते हैं। तो ये एक इनोसेंस की वजह से, एक भोलेपन की वजह से, अबोधिता की वजह से कि मेरी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सामने वाले का, वो इसको नहीं समझ आ रही होती, वो समझ में नहीं आता है। हाँ, उस इसलिए कहा जाता है भाई ये थोड़ा मंद बुद्धि बंदा। तो ये जो सर ने अभी बताया कि मंद बुद्धि महसूस होता है ये बच्चा या ये पेशेंट बोविस्टा का, सर मेरे पास एक पेशेंट था, इनफैक्ट दो पेशेंट थे, एक लड़का है जो कॉलेज जा रहा है, तो उसने दो तीन चीज़ें ऐसी बात करी कि जिसकी वजह से मुझे आसानी हुई उसकी दवा बोविस्टा देने में। तो उसने क्या बताया कि उसको ना पेशाब में यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता था, ब्लीडिंग भी होता था और काफी टाइम से होता था। उम्र क्या थी? तो कॉलेज जा रहा है, जस्ट कॉलेज जा रहा है, सोचो तो 18-20। हाँ, तो उसके मॉम ने बताया कि अच्छा बताओ क्या क्या हो रहा तकलीफ। तो उसने बोला कि सर मेरा मुझे ना ऐसे थोड़ा सोचो, बोला मुझे सोनू मेरे सोनू को तकलीफ होती है। ओ तो मैं थोड़ा एक सेकंड के लिए ना हक्का वक्का, सोनू मतलब मुझे लगा पहले इसके छोटे भाई को शायद तकलीफ होती होगी, तो मैंने बताया सोनू को तकलीफ मतलब क्या होता है, तो उसने बताया पेशाब करते हो तकलीफ होती है। तो ये जो घर में कुछ आसान नहीं ना, नहीं नहीं बिल्कुल नॉर्मल। और बाद में आगे चल के जैसे वो ऐड कर रहा था सिम्टम, तो उसको उसकी मदर ने बताया वो भी बताओ पेट का तुम्हारा जो खराब बताओ बताओ सर को बताओ। तो उसने बोला कि हाँ मुझे ना वो, तो वो मराठी में बात कर रहा था, तो उसने ऐसे वर्ड यूज किया जहाँ पे लैटरिन बोल सकते थे, टॉयलेट बोल सकते थे, स्टूल बोल सकते थे, मोशन बोल सकते थे, और ज्यादा से ज्यादा संडास बोल सकते थे, लेकिन उसने मराठी में जो बहुत ही स्लैंग वर्ड होता है उसने बोला कि हाँ सीधा बोलता दिया, हाँ मतलब हगायला प्रॉब्लम होता, मतलब मुझे हगने में प्रॉब्लम होती है। तो सोफिस्टिकेशन नहीं है ना, तो उसकी माँ ने उसको एक चमाट दिया, बोला आप भी ऐसे बोलते हैं, बोलो क्या बोलू फिर मुझे आया, मुझे अच्छा वर्ड मिला नहीं मराठी में, इंग्लिश मुझे मालूम था। तो उसकी माँ ने बोला अरे संडास तो बोलो एटलीस्ट। तो ये बच्चा था, इसको भविष्य देने से उसको मतलब उसको समझ नहीं आई ना। हाँ। उसको ये समझ ही नहीं है कि भाई ये गलत। हाँ।
तरीका हाँ। है सोसाइटी में ऐसे अगाल सगाल नहीं बोलते थोड़ा सा सोबर होके बोलते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं बात करने के तरीके। जब मतलब आप किसी हाई सोसाइटी में बैठे हो, मान लो आपको वॉशरूम जाना है, तो आप ये नहीं कहते अच्छा मैं पेशाब करके आता हूँ, चल तुम थोड़ी देर बातचीत करो, वो कह एक मिनट में थोड़ा सा होके आता हूँ, थोड़ा सा मेरे को एक मिनट एक्सक्यूज करिए, मैं अभी आता हूँ। तो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, पॉटी करने जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, हाथ धोने जा रहा हूँ, मतलब आपको पता नहीं लगने देगा वो, आप जा करे एक्चुअली वो हो सकता है वॉशरूम जा रहा हो सकता है टॉयलेट ही जा रहा हो, पर उस कोई भी जो जिसको समझदार एटिकेट वाला बंदा कहेंगे वो आपको डायरेक्ट ये शब्द यूज नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये तो एक हो गया ना, जिस सोसाइटी में आप हो उस सोसाइटी में बिहेव करने के नॉर्म्स होते हैं, तो आप उस ढंग से चल रहे हो तो फिर आप नॉर्मल बंदे गिने जाते हो। अब आप उस ढंग से चल ही नहीं रहे, आप वो सारे चीजें बोल रहे हो जो सब एक दूसरे को देखो यार किसी को इसको यार अकल नहीं है क्या तो ऐसी जो रिएक्शन आती है हमारे अंदर, तो वो एक बेसिकली बोविष्टा जैसी होती है। अब और उसको ऐसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत काम किया, उसको वो समझ ही नहीं है। अगर उसको समझ आए गलत काम है तो वो करेगा नहीं, बड़ी सिंपल बात है। तो वो सोसाइटी में जान बूझ के थोड़ी ऐसा कर रहा है वो, पर उसको लग रहा है नॉर्मल सी बात है, अरे इसमें ऐसे क्या बोला मैंने गलत ही क्या कहा, ऐसे उसको फील है। अब मेरे पास जो केस है वो 15-16 साल का लड़का है, ऐसे नाक बहरी जुकाम बहुत अबे यार ये जुकाम हो रहा है तो इसमें कौन सा तू नोबेल प्राइज लाया है जो इतना हंस रहा है बता हंस हंस के बता हाँ हाँ ये देखो ना सुनो अंकल देखो ऐसे यार ये क्या है। उसके फादर बताते हैं इसको 10-12 दिन से ऐसे बह रहा है, ये कह रहा है अच्छा मैंने कहा अच्छा अच्छा नाम क्या है तेरा, फिर उसने अपना नाम बताया, देश फलाना नाम, जात भी बताई, फिर एज ग्रुप बताया। मैंने से पूछा अच्छा कितने साल का हो गया, उसने अपनी एज बताई, इतने दिन साल का हो गया हूँ, इतने दिन और इतने तारीख को मैं मेरा फलाना जन्मदिन आने वाला है तो तब मैं 16 का हो जाऊंगा, इतना डिटेल बताया हाँ, पूरा डिटेल। अरे भाई हमने इतनी डिटेल, जब एक डॉक्टर एज पूछता है तो एक टेंटेटिव बता भी 15 का 16 का लगभग 16-17 ऐसे ऐसे नॉर्मल बिहेवियर में ये तरीका होता है। फिर मैंने अच्छा तुम कहाँ से आयो कहाँ रहते हो, फिर उसने कंप्लीट डिटेल्ड एड्रेस पिनकोड के साथ नहीं पिनकोड के साथ मैं फर्स्ट फ्लोर में वहाँ रहता हूँ मॉडल टाउन मतलब फलाने कॉलोनी फर्स्ट फ्लोर ये वाला लेन ये पिन कोड वो टोटल मैंने कहा यार मेरे को तालुका स्टेट इंडिया पिन कोड तो पोस्टल एड्रेस में नहीं पूछ रहा था उससे, पर उसको लगता है एड्रेस पूछा है तो एड्रेस माने फिर कंप्लीट तो ये खुले दिल से वो सारा उसको लग नहीं रहा कि इस चीज की जरूरत नहीं है, उसको लग रहा है एड्रेस पूछ रहे डॉक्टर साहब तो मैं पूरा बताऊं। सर मतलब ये लोग फेस वैल्यू पे लेते चीजें ना, मतलब जो पूछ रहे हैं वैसे के वैसे ले लेते हैं। नहीं फेस वैल्यू का सवाल नहीं ना, उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझको कितना बताना चाहिए, अप्रोप्रिएट कितना है इस जगह के लिए, अप्रोप्रिएट कितना है। मान लो वही एड्रेस आप कहीं जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है और कहीं है वहां पूछा जाएगा तो वहां आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, या कुछ कुरियर करना है तो वो कंप्लीट ये सारा बताना पड़ेगा। पर आपको ये क्या पूछा भी कहाँ रहते हो तो लोग यही कहेंगे, आप मान लो आपसे पूछा जाए कहाँ रहते हो तो आप कहोगे मुंबई रहते हैं, इतना ही कहोगे बस। लेकिन अगर आप मुंबई में बैठ के आप कोई दूसरा आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, फिर अगर तो थाने में रहता हूँ, अच्छा आप थाने में खड़ा होकर आपसे कोई पूछेगा भाई आप यहाँ कहाँ रहते हो, फिर थाने के बीच का कोई थोड़ा सा बताओगे भाई वो फलाने लेन में रहता हूँ, तो फलाने लेन में रहता हूँ, आप उस लेन में अगर खड़ा होकर पूछेगा भाई आप यहाँ कहाँ रहते हो, फिर कहोगे मैं फलाने मकान में रहता हूँ। अगर उसी मकान में बैठ के वाले उसी सोसाइटी है उसमें पूछेगा कोई आदमी, फिर कहेगा मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो आप एड्रेस बताने के अलग अलग तरीके हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली में पूछे भाई आप कहाँ रहते हो तो यार बताओ मैं बॉम्बे में रहता हूँ थाने में, ये एड्रेस ये लेन ये मकान नंबर ये फलान, तो ये एक इसको समझ नहीं आ रही थी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक खुले चीजें खुले पर अभी जैसे बच्चों से साइब भी हो गया इम्बेसाइल भी हो गया मेंटल डेवलपमेंट वहां तक नहीं गया ना, इसलिए वो खुले दिल का मतलब, पर इससे आप ऑफेंड नहीं होगे। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो जवाब देने का तरीका है आप इसको ये नहीं लगेगा यार ये क्या बकवास कर रहा है, ऑफेंड नहीं होगे, आपको भी उसमें उसके जो भोलापन है मजा आएगा, उसमें आपको मजा आएगा। तो ये बोविष्टा की खास बात है, इडियट नहीं कहोगे आप उसको, ऐसे नहीं कहोगे बिल्कुल यार ये तो महा मूर्ख है, ऐसा नहीं होता। कई बार क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो आप उनको पूछो बेटा कहाँ पढ़ते हो आप, बताएंगे एम्पीरियन स्कूल
थर्ड स्टैंडर्ड सेक्शन सी, ऐसे पूरा। तो ये तो बच्चे की इनोसेंस है, वो नॉर्मल है, लेकिन एज के साथ साथ में कुछ मैच्योरिटी पर्सपेक्टिव इंटरपर्सनल जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से आप जवाब दोगे। लेकिन बोस्टा में वो वैसा ही रहता है, एज के साथ में वो वैसा ही रहता है और जो उसके दिल में होता है वो निकाल देता है। तो ऐसा ही सर आपका ये जो केस आपने सेमिनार में दिखाया था, हाँ, ये वाला, तो उसके बाद से एक मेरा एक ऐसा पेशेंट था, तो वो देख करके मुझे सर ने जब पढ़ाई थी तो दैट्स व्हाई इट्स सो नेसेसरी कि आप सेमिनार ज्वाइन करिए, ये मैं बोलना चाहता था। हाँ, चलो, तो करो, क्या हुआ उस केस में, क्या हुआ, वो पेशेंट आया अंदर, तो उस दिन रिसेप्शन छुट्टी पर थी, तो अंदर आया, फॉलो अप था उसका, तो बोलता है कि आज वो रिसेप्शनिस्ट वाली मैडम नहीं आई है। मैंने कहा हाँ वॉच थोड़ा छुट्टी पे है। मैंने कहा क्या हुआ, वो देखा फिर से उसने, अच्छा नहीं आई आज, नहीं आई, वो बहुत खूबसूरत है, मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, इसीलिए मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मुझे मजा आया क्योंकि वो इस इनोसेंस से बोल रहा था, उसमें ब्रेटर वाली गंदगी नहीं थी। हाँ, गंदगी नहीं होती इसमें, आपको आपको मजा आएगा बच्चे से बात कर रहे, देखो कितना अच्छा है। तो ऐसा एक बार क्या हुआ, फ्री में ही बात कर लोगे। तो सर का जब सेमिनार मैंने ज्वाइन किया था, ये जब उन्होंने बोझता पढ़ाई थी, तो उसके बाद मुझे अपना एक कॉलेज डे याद आ गया। तो ऐसे ही हम चार पांच लोग बैठे हुए थे, सो सारे एस्टैब्लिश डॉक्टर, सब लोग प्रैक्टिस में थे, तो मेरे फ्रेंड की एक वाइफ, वहाँ पे एक बोझता था हम लोग के साथ में, तो उसने देखो किस तरीके से वार्तालाप किस तरीके से हुआ। तो क्या हुआ कि शी गॉट प्रेगनेंट, तो उसका लगभग 3-3.5 मंथ का, 4 महीने का बच्चा रहा होगा पेट में। तो हम लोग बैठे हुए थे, हाँ ही चल रहा था, तो उसकी नजर उसके पेट पे गई, तो उसने उसको पूछा प्रेग्नेंट हो क्या, मतलब सब लोग वहां बैठे हुए प्रेग्नेंट हो क्या, तो वो थोड़ी सी एम्बरेस हुई, यार गर्ल हाउ कैन यू आस्क ना, तो बोली हाँ यस यस वी आर प्रेग्नेंट। तो पूछा उसने कि अरे कितने महीने का है। सर अभी पीक नहीं आया, अभी पीक आने वाला है। तो नहीं, 3-3.5 मंथ का, लगता तो नहीं ज्यादा का लग रहा है यार तुम्हारा पेट। चुप चुप कर। तो फिर वो मुझे इंसिडेंट, ये बोझता है यार, उसको समझ नहीं आ रहा ना कि ये ऐसे सवाल इस सिचुएशन में नहीं करे जाते। हाँ। अगर कोई डॉक्टर कर रहा होता अपने प्रेग्नेंट लेडी अगर किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो पूछेगा ना कितने दिन का है, क्या है, इतना पेट क्यों बढ़ गया, आपका तो इतने महीने में इतना होना चाहिए। हाँ। तो वो एक सेंसेबल टॉक है। यस। तो यहाँ इनका कोई लॉजिक नहीं है ना भाई, उसको कहने का ज्यादा लग रहा है, फलाना लग रहा है उससे, और उसका कुछ लिंक भी नहीं है उससे, वो प्रेग्नेंट है नहीं है, तेरे को क्या लेना देना। ये तो तू एंजॉय करो कंपनी को, तो वो तो हुई सेंस वाली बात। तो ये जो बात होती है एक आउट ऑफ इनोसेंस ही नॉनसेंस करता है। आउट ऑफ इनोसेंस नॉनसेंस, सही, आउट ऑफ इनोसेंस नॉनसेंस इज द थीम ऑफ बोविस्टा, खत्म। तो अभी एक और मैं घटना बताता हूँ आपको। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ शादी वादी के इन्विटेशन आते रहते हैं, अब मान लो बहुत सारी फैमिली तो जाती नहीं है। अब आप जब जाओगे उसके पास, अरे वो नहीं आई फलाना, तुम्हारा मतलब तुम्हारी मैसेज नहीं आई। अब नॉर्मली आप क्या कहते हो, अरे सर वो काम था, फलाना था, बच्चे था, आज वहाँ आउटिंग जाना था, मजबूरी हो गई, आज वो उसने आपको सॉरी कहा, फलाना था, ऐसे करके उसको एक पैचअप करते हो। तो ये बंदा क्या कहता है, सर वो ये कह रही है आप तो मेरे को बड़ी बेटी बेटी करते रहते हो, और आपने तो इनको तो बोल दिया, मेरे को तो बोला नहीं, तो मैं तो नहीं जाऊँगी। जो रियल रीजन है बता दिया। हाँ, रियल रीजन है। तो आपने उसको इनवाइट नहीं किया, वो इसलिए नहीं आई है। ये जाके आपको किसने बोलने को बोला था वहाँ पर? तो ये एक उसको समझ नहीं आ रही कि ऐसे नहीं बिहेव करते हैं, मतलब खुला जैसे होता है ना, खुला बार, वो उसमें चलाकी नहीं है असलियत। उसको जैसे कहना चाहिए ना डिप्लोमेसी जो होती है वो इसमें होती नहीं है, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ खराब बोल रहा हूँ। तो दुनियादारी के एटिकेट्स इसको सीख नहीं पाया, इसीलिए नाइव है ये, इसीलिए नाइव और खुले दिल का लोकेशन, इसलिए जो
अब दिल में कोई मैल होता है तो आप कम बात करते हो, क्या बात है ना, ताकि आपका वो मैल बाहर ना दिखे, मक्कारी जिसे कहते हैं। तो अब मैल है नहीं, तो आप एक बात पूछोगे ये 15 बात अपनी तरफ से खोल के बता देगा, और इसको लगेगा ये एप्रोप्रिएट सारी बातें मैंने अंकल को सारी बता दी है। तो ऐसा नहीं लग रहा, मतलब उसको ये नहीं लगा ये जरूरत नहीं है, कहता मैंने अंकल को सारा बता दिया, कितना रिलैक्स फील करता है वो, जैसे उसने कुछ अच्छा काम किया। अभी एक चीज करनी जो बाकी है, ब्राइट अगर और मोविस्टा का डिफरेंस करना है। यस, अगर आप मुझसे पूछे जो मैं सादा सिंपल समझता हूँ, ये है कि ब्राइट अगर बात करने के लिए भी डिपेंड करता है कि हाँ क्या हो रहा है, मम्मी की तरफ देखे, मम्मी बताएगी ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, भूविष्ठा को चुप कराना पड़ता है कि अरे चुप कर बस कर, कहाँ बोल रहा है अरे चुप, और बरेट अगर को बोलना पड़ता है अरे बोल बरेट क्या बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं आती बोलना क्या है, भूविष्ठा को भी समझ नहीं आती किधर क्या बोलना है, लेकिन इसको क्या बोलना है वो भी नहीं आता। थोड़ा सा मतलब आपके सामने पेशेंट जो दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं कि काले काले धब्बे है क्या तकलीफ है, बोले कहा कोई तकलीफ नहीं है, अरे काले धब्बे 16 साल की लड़की है, पूरी स्किन खराब कर रखी है, माँ परेशान है कि मेरी बच्ची की देखो दिखने में कैसी दिखनी चाहिए, और इसको कुछ पढ़ा नहीं उसका, वो बोला इसको भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बोलते अरे सर इतना दिख रहा है, बोला अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ये जो दिख रहा है इसको लेके इसको प्रॉब्लम है, तो वो लड़की बोलती है कुछ नहीं, बोला अरे मतलब वो समझ तो होनी चाहिए कि आप 16 पर उसको समझ होती है, वैसे जैसे बताने नहीं दिया वो, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको क्या बताऊंगा, ये जो जो कन्वे जो नहीं कर पा रहा, यानी उसको वो प्रॉपर शब्द जो होते हैं ना वो उसको नहीं मिल रहे। वैसे अगर उसको कहोगे ना ये माँ की जान खाते थे मम्मी मेरे को देखो ये काले से हो गई है, तो यानी उसके इम्पैक्ट तो आ रहा है, पर वो ये नहीं समझ पा रही डॉक्टर क्या पूछ रहा है, एक उसके लिए ये नया विषय है, ये विषय तो इसलिए वो आपको कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पा रही है। अगर उसको समझ आ जाए कि डॉक्टर मुझसे ये काले धब्बे के बारे में मुझको डॉक्टर को बताना है, पर अब डॉक्टर को अगर नहीं भी समझ आ रही होगी तो वो करती रहेगी प्रयास अलग एंगल से, इस एंगल से, अंकल अंकल देखो ना आपने वो काला देखा था ना ऐसे, वो भला ना ऐसे आपको नहीं समझ आया क्या, फिर आप उसके शक्ल ऐसे देख रहे हो, तो फिर वो दूसरे किसी भाषा से आपको समझाएगी, यानी वो फिर कम्युनिकेट करने की अलग अलग एंगल से कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास अब कम्युनिकेशन के लिए एक छोटा फील्ड है जिसको आता है कि ये बात मुझको डॉक्टर को बता रही है, तो वो कम्युनिकेटिव तो बताना तो चाह रही है, पर उसके बताने का तरीका ऐसा है कि वो आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो शार्प वो प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर पा रही ना, तो आप ऐसे देखते हो उसको भी समझ आ रहा है कि ये जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ नहीं समझ आ रहा आपकी शक्ल से, ये फर्क है, पर उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इनको समझा पाऊँ, मतलब समझाना चाहती है वो, क्योंकि ये एक नया फील्ड आ गया ना, नया डॉक्टर नई बात कैसे समझाऊं, तो वो ब्राइटा कार्ब जो होता है जितना फील्ड उसको समझ आया होता है उसको वो अच्छे से फॉलो करता है, उसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, पर बोविष्टा तो अपनी अकल से सारा ही, अगर उसको काले धब्बे की बात कर दी तो बता देगा कि किस जमाने में कौन सी क्रीम लगाई थी, क्या लगाई थी, मम्मी ने डंडा मारा था फिर उसके बाद ऐसे हो गया था, तो फिर मैंने ऐसे खुजा लिया था, खुजाने के बाद से पस पड़ गई थी तो फिर ये ऐसे काला हो गया था, आप कहोगे अच्छा बस यार सुन लिया बस कर, वो बताता रहेगा उसको ये कोई मतलब नहीं है आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, वो अपना लगा हुआ है, पर ब्राइटा कार आपको देखता रहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आए नहीं समझ रहा, मतलब आपको आप उसकी शक्ल ऐसी देख रहे होगे कि ये क्या बता रहा है, मतलब वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा ना कि आपको मेरी बात मैंने आपकी अपनी बात समझा दी है तब रुकेगा वो। अब ये नहीं है कि वो शार्पनेस है इसलिए आपको समझा पा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को ये वाली बात इतनी सी बात यहाँ पहुंचानी है, वो इतना ही उसका फील्ड है, इतनी कैपेसिटी है दिमाग की, तो इसलिए उसको कहते हैं इडियट है, मंद बुद्धि है। अगर उसको इतना बड़ा फील्ड दे दोगे
तो फिर वो कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव नहीं होगा, फिर तो ऐसे हो जाएगा वो, फिर तो पागल जैसे देखेगा आपको, समझ ही नहीं आएगा। पुराना वीडियो हम लोगों ने बेरेटा कास्ट का बनाया है, वो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ये जो हाउ है दो रेमेडी का, प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बहुत अलग है। अपियर हो सकती है ऐसे थोड़ा, अगर आप ठीक सुपरविशियली देखेंगे तो, ठीक से देखेंगे तो बराटा बहुत हाउ उसका बहुत अलग है। जो उसको थोड़ी सी आइडिया है कि डॉक्टर को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ सही वर्ड यूज कर रहा है या मैं समझ रहा, और डॉक्टर जो पूछ रहा है वो भी उसके दिमाग में नहीं जाएगा अच्छे से। हाँ, वो उसका फील्ड नहीं है, नया फील्ड हो गया। आपने कोई सवाल कर दिया, अब उसके लिए वो नया फील्ड है, अब उसको कैसे जवाब दे वो उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो हक्का हो गया, वो हक्का बक्का फिर वो फील गया। यानी बराइटा काब जो होता है वो एक रटी रटाई जो उसने लाइफ में एक चीजें सीख ली है उनको वो बड़े अच्छे से करता है। एक ही उसमें आप नहीं जान सकते कि ये मंद बुद्धि है, लेकिन जरा भी आप हट गए, अब उसको मालूम है खांसी आती है, गला दुखता है, ये बात 10 बार डॉक्टर को बता चुका है, 10 बार खांसी हुई ना, 10 महीने में 10 बार हुई, उसको मालूम है ये बातें हैं, ऐसे ऐसे होता है, वो आपको अच्छे से कन्वे कर देगा। अब आपने उससे पूछ लिया, अच्छा ड्राइनेस से आपका क्या मतलब है, क्या मतलब है, अब वो अब तो उसके ऊपर तो बम फूट गया, अब क्या मतलब, सिलेबस के बाहर पूछ लिया, ये तो उसको मालूम नहीं क्या जवाब दूं, अब वो घबरा जाएगा, अरे ये क्या पूछ रहे हैं। तो ये बराइटा, लेकिन बॉबिस्टा तो कुछ ना कुछ बकवास चालू, बॉबिस्टा के पास में उत्तर है सारे, दिल खोल के बता देगा क्या घबरा क्या होती है क्या होती है, और वो बोले चला यार जरूरी, मैं समझ गया मेरे को आगे समझ ड्राइनेस क्या होती है। हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि बराइटा का आप कुछ बोले, हाँ लेकिन रोकना पड़ेगा बोस्टक भाई, हाँ ठीक है। बराटा का में पेशेंट वही चीज बार बार बता रहा है आपको, तो आप इरिटेट हो सकते हैं, हाँ। लेकिन बोविस्ता की चीजों पे आपको हंसी आ सकती है। जैसे मेरे पास एक एडल्ट बोविस्ता का बंदा है, वो बाहर आता है ना रिसेप्शन एरिया में जब बैठता हो, तब मुझे ना 2 बार ऐसे हुआ कि मुझे ना रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बुला के बताना पड़ा कि अरे हंसी मजाक कम करो, आवाज कम करो, अंदर डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब बाहर का माहौल बन जाता था, क्योंकि वो बिना झिझक के असिस्टेंट को कुछ भी पूछेगा, उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी, उसको पता नहीं चलता था, सब लोग एंजॉय करते थे, तो एक अच्छा माहौल बनता था। तो ये बोविस्ता का हाउ और बराटा कार्प का हाउ काफी अलग है, बहुत अलग है। मतलब बोविस्ता मतलब आपको परेशान नहीं होते उसकी कंपनी में, बराटा कार्प की कंपनी में आप थोड़ी देर बाद एग्जॉस्टेड फील करोगे, क्योंकि उसको आपकी बात समझ नहीं आएगी, और उसको आपकी बात नहीं समझ आएगी ना उसकी बात आपको समझ आएगी, आपको कि यार ये जान अच्छा बेटा सुन लिया अभी करते हैं बात आपसे करते हैं। हो सकता है कि बराटा का पेशेंट आपके क्लिनिक में आए तो हेजिटेट करता है, हेजिटेट करेगा, हेजिटेट नहीं करता, नहीं करेगा, असिस्टेंट को उसको पूछने की हिम्मत नहीं होगी कि मेरा कार्ड नंबर कौन सा है, मेरा नाम कहाँ पे, मेरा अपॉइंटमेंट कौन से टाइम पे है, तो वो आके बेवकूफ की तरह एक साइड में बैठ जाएगा, फिर असिस्टेंट को लगेगा अरे आप इतने टाइम से क्यों बैठे हो, आपको बताना चाहिए था, आपका तो 1 घंटे पहले होना चाहिए था, ऐसी कुछ चीजें हो जाएगी, वो चुप बैठेगा, और भविष्यता एक दूसरे के साथ बात करेगा, हंसी मजाक करेगा थोड़ा, राइट, मतलब टिमिडिटी बहुत ज्यादा होती है जो भविष्यता में नहीं होती है। तो अब मैं एक और केस आपको बताता हूँ भविष्यता का। ओके ग्रेट। अब बच्चे बड़े चलाक होते हैं वैसे देखा जाए, उसको नेचुरल उनमें विजडम होता है, और वो चीजों को बड़े अच्छे से मैनिपुलेट, उनके काम की चीज होती है वो, बच्चे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं उसको, जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा मेरे पास उस बैड वेटिंग का केस है, 11-12 साल का बच्चा हो चुका है, तो आजकल मोबाइल का जमाना है, अब इलाज हम करे जा रहे हैं, उसको ज्यादा फर्क पड़ नहीं है, 3-4 दवाई हम दे चुके, हम भी बड़े परेशान है यार, सारी इंडिकेटेड दे दी, कुछ हो रहा नहीं है, क्योंकि वो माँ के साथ आता था बच्चा, तो सारी बातें माँ बोलती थी, अब बच्चा आराम से बैठा रहता था, हमें पता ही नहीं लगता था क्या बोल रहा है क्या है। फिर क्योंकि माँ तो उसको थोड़ा सा वैसे रखती थी ना कंट्रोल करके, फिर वो आया दादी के साथ एक दिन, अब वो तो ऐसे उछल रहा, क्योंकि दादी तो कंट्रोल करती नहीं है उसको, दादी का तो लाडला बच्चा है वो, तो उसने मैंने उसको कहा भी ये मम्मी, वो दादी बताने लगी ये मम्मी सो जाती है, देखो ये मम्मी को भी सोने नहीं देता है, तंग करता है, क्या करता है। मैंने कहा भी क्या करता है तू, कहता है मैं तो मोबाइल गेम खेलता हूँ। मैंने कहा फिर तेरे पास मोबाइल कहाँ से आता है, कहता है मम्मी तो अपने तकिए के नीचे रख के सोती है मोबाइल ताकि मैं ना लूँ, फिर मैं चुपचाप धीरे से कर करके मोबाइल निकाल लेता हूँ, फिर साइलेंट पे लगा लेता हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाके मैं खेलता रहता हूँ, मम्मी को पता ही नहीं लगता है। अब हमने तो उससे, अब
बार ऐसे बच्चे बताते नहीं है कि इतनी चलाकी से काम करते हैं, कोई नहीं करता को, तो मम्मी को पता ही नहीं लगने देता मैं मोबाइल खेल रहा हूँ, तो जब सोती है मम्मी तभी खेलता हूँ, वैसे तो मम्मी हाथ नहीं लगाने देती मुझको। अब मुझे समझ आया यार ये बंदा क्या है। तो उसने इनोसेंटली वो सारी बातें बताती जो बच्चे अपनी इस सीक्रेट को छुपाते हैं, कल को मम्मी ने दादी को पता लगा ये सारी बातें मम्मी को बता देगी तो कल तो मम्मी और कहीं छुपा के रख लेगी, मोबाइल मिलना तो बंद हो जाएगा, मोबाइल मिलना बंद हो जाएगा, मम्मी तके के नीचे फिर नहीं रखेगी या कुछ और लॉक लगा लेगी। तो पर इसको 12 साल के बच्चे को समझ नहीं आई कि ये डॉक्टर को ये बातें नहीं बतानी चाहिए, इतनी टॉप सीक्रेट। So, Bovista will be a... देते ही फिर वो तो उसका द्वारा बैड वेटिंग अगले दिन से नहीं हुई। Bovista किसी भी सीक्रेट एजेंसी में काम नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता। बाप रे। वो दूसरे दुश्मन दुश्मन देश को सारी सीक्रेट बता देगा। तो वो भी कैसे बोलेगा ऐसा नहीं करना है, हमारे कंट्री में इतने सोल्जर्स हैं और ये एयरबेस है, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, सबके केसेस सुने, इतने सारे केसेस, Bovista की इतनी मस्त डिस्क्रिप्शन, भरा टकर के साथ में डिफरेंशिएशन और सटीक सटीक डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे गुप्ता सर इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि एक बोलते ना एक ही घाव और दो टुकड़े, जैसे आज हमारा अभी हमारा घाव नहीं यार घात 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 सर हम मराठी में उसको मराठी आ जाता है घाव बोलते हो घाव घाव माने तो हम जख्म को बोलते हैं मराठी में हम उसको घाव बोलते हैं अच्छा तो सेमिनार हमारा चल रहा है और उसमें से हमने वो सर से रिक्वेस्ट करके टाइम निकाला है और यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो अभी आज के दिन सर कुछ रेमेडी पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी यही हुआ कि सर ने बहुत ही सटीक डिफरेंशिएशन किया और एक रेमेडी पढ़ाई, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसी रेमेडी थी कि बाद में रेमेडी खत्म होने के बाद तालियों की क्या बोलते हैं पब्लिक इतनी खुश हो। तो इसलिए आपको सेमिनार्स वेबिनार्स मिस नहीं करने, जो भी जहाँ जहाँ पे शेयर होता है, जैसे यूट्यूब चैनल पे शेयर होता है, वेबिनार में होता है, सेमिनार्स में होता है, बुक्स में होता है, मैगजीन्स में होता है, तो जहाँ जहाँ पे आपको मौका मिलता है जो शेयर करी हुई चीज़ें है पढ़नी है, सेमिनार्स अटेंड करने, वेबिनार्स अटेंड करने। तो थ्री नाइस मैन गुप्ता सर, और सीखने के लिए क्या होता है आप ये मत सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मेरे को क्लिनिक में, मैं आपके से पर्सनली सीखना चाहता हूँ, तो वो बंदा जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकता। पर्सनली आप क्यों सीखना चाहते हो? अरे हजारों रुपए थे तुम्हारे लिए यूट्यूब पे हमने मेहनत कर करके इतने वीडियो बनाए, वो सिखाने के लिए ही तो बनाए हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के मेरे वीडियो हैं, इतनी बारीक से बारीक बात मैं बताता हूँ, हर फील्ड में को टच किया हुआ है मैंने। आप पहले उनको उनमें कोई अगर बहुत गहरा डाउट मिलता है तो फिर फोन कर लो मुझे, लेकिन अगर आप उसमें भी फोन नहीं करोगे और दूसरे और वीडियो देखना चालू मतलब वीडियो देखना जारी रखोगे तो आपके उस डाउट का जवाब मेरे दूसरे वीडियो में 100% मिल जाए। ऐसा कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा जो मेरे वीडियो में मैंने जवाब ना दिया हो। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये पर्सनली सीखने वाले की जो बीमारी है वो अच्छी नहीं है। मतलब आपको मैं मान लो एक बंदे को सिखाता हूँ, दो घंटे सिखा दूंगा, तो दो घंटे में अगर मैं एक नया वीडियो बना के अपलोड करूंगा तो उसको लोग, कितने लोग देखेंगे और आगे 10-20 साल तक देखते ही रहेंगे, तो वो आप उस मेरी मेहनत को अपने पर्सनल मतलब इतने सेल्फिश क्यों होना चाहते हो? Exactly. ऐसे सेल्फिश तो कोई सीख भी नहीं सकता, और सीखने के लिए विनम्रता चाहिए वो बहुत जरूरी है, दूसरों का ख्याल करना चाहिए वो जरूरी है, तो बेहतर यही है कि हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो देखें, बार बार सेमिनार में आए, वेबिनार में आए, हमारी बुक्स वगैरह वो पढ़ें, तो वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा और हमारे लिए भी थोड़ा सा सुविधा। नहीं अभी कुछ पिछले ना 5-6 दिनों में 3 इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे साथ भी इसी टॉपिक को लेके, हाँ। कि स्टूडेंट्स बोल रहे कि सर आपके आपसे पर्सनली सीखना है, तो हाँ। एक एक बच्चों को या दो दो तीन तीन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वही एफर्ट हम अगर किसी और चीज में लगाएंगे, सेमिनार में, वेबिनार में, या यूट्यूब चैनल में, जरूरी है, इसीलिए तो वो तीनों चीज में क्या हुआ होता है, हेलो सर क्या हुआ, तीनों केस में ऐसे हुआ, तीन अलग अलग बच्चे हैं, अपने ही है डॉक्टर्स है, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे आके सीखने हमें, तो मैंने बोला कि अरे अच्छा चलो आपने लास्ट वाली तो बात आगे बढ़ी, और पूछा मैंने कि लास्ट जो अभी 15 दिन पहले जो वेबिनार हुआ ऑनलाइन, जो ऑनलाइन था,
कि आपने वो देखा, मैंने रेमेडी जो बताई थी वो, नहीं नहीं सर सॉरी वो रह गया सर, वो मैं मेरा कॉलेज चालू था, दूसरे ने बताया कोई और बहाना दिया, तीसरे ने कुछ और बहाना दिया। Those are not the signs of a good learning. मतलब आई वाज शॉक्ड कि अगर आप और तीनों ने पे किया था, और तीनों ने आपके सारे वीडियो भी नहीं देखे होंगे। नहीं हाँ, मतलब वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले, अब मान लो एक बंदे को हमने 2 घंटे लगाए, अब दूसरा नया बंदा आएगा वही सेम सवाल उसके होंगे, फिर तीसरा आएगा सेम, पूरी जिंदगी में 10 बंदों को नहीं सिखा सकते। तो ये जो बना रहे हैं वीडियो, ये इसीलिए है कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर बैठ के बड़े आराम से 100 बार एक वीडियो को देखो, पर हम आपको अपने क्लिनिक में 100 बार वो बात नहीं समझा सकते, वो कोई नहीं समझा सकता। तो आप थोड़ा सा वीडियो देखने पे ज़्यादा जोर दो, अपने सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, ग्रुप के साथ सीखो, उसमें एक तो बहुत खुल के सिखाया जाता है, डिटेल में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल होता है, वातावरण होता है सीखने वाला, तो आप बहुत ज्यादा सीख पाओगे और क्लिनिक में लगा पाओगे। और एक चीज और सेंटेंस है कि गुप्ता सर का जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें जो उन्होंने कोई चीज बताई है, मेरे साथ ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, मुझे वो वीडियो 2-3 बार देखना पड़ता है, क्योंकि जो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने समझाया, हमको ऐसा लगता है कि हम समझ गए, लेकिन जब आप वो वीडियो 2-3 बार देखते हो तब आपको शायद समझ में आने लगता है कि हाँ, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट अ राइटर और स्पीकर इज सेइंग, क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो देखिए, क्लिनिक में देखिए कैसे अप्लाई होता है, तब आप जाकर के उस पर मास्टरी कर सकते हैं। वो होता है, गुप्ता सर ने कल ही इग्निशा पढ़ाई, वो आज समझ में आई, ओ सर ऐसा समझ रहे, ये ऐसे समझ। हम लोग को तो लगता था कि हमें इग्निशा आती तो हम पकड़ के नहीं पाए, इसका मतलब हमें इग्निशा का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सा आपसे बांटते भी रहेंगे, सब लोग साथ में मिलकर बैठते रहेंगे। 3 Nice Men का तो चैनल है, गुप्ता सर का चैनल है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, आपके कॉमेंट्स। एक चीज ये बोर कर रहा है, अगर आपको चैनल नहीं पसंद आता है तो ऐसे थम करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए। हाँ तो अगर नहीं समझ, अरे यार वो नहीं ना, ये सही तरीका है, आप ईमानदारी से काम करें, आप ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है सीखने के लिए। आपको हमारी कोई बात नहीं पसंद आ रही तो उसमें डिसलाइक का है, कर दो, सही, कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं अपने वीडियोज में सबको बोलता हूँ, वो मेरे को बताते रहते हैं वीडियो कमेंट करके, आप तो एक ही बात को बार बार बोलते रहते हो, 2 बात 2 मिनट में कही जाती थी, आपने 1.5 घंटे वीडियो बना दिया उस पर। मैंने कहा अगर आपके पास इतना समय नहीं है आप मेरा चैनल बंद कर दो, आपके पास ऑप्शन है, सिंपल अनसब्सक्राइब कर दो, मैं आपके घर नहीं आया हूँ सिखाने के लिए।